नमस्कार दोस्तों लॉजिकल हिंदू यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है प्राचीन काल की बात है तब उज्जैनी वर्तमान में उज्जैन में महाराज विक्रमादित्य राज किया करते थे विक्रमादित्य हर प्रकार से एक आदर्श राजा थे उनकी दानशीलता की कहानियां आज भी देश के कोने कोने में सुनी जाती हैं राजा प्रतिदिन अपने दरबार में आकर प्रजा के दुखों को सुनते वह उनका निवारण किया करते थे एक दिन राजा के दरबार में एक भिक्षु आया और एक फल देकर चला गया तब से वह भिक्षु प्रतिदिन राज दरबार में पहुंचने लगा वह राजा को एक फल देता और राजा उसे कोषाध्यक्ष को सौंप देता इस तरह दस वर्ष व्यतीत हो गए हमेशा की तरह एक दिन जब वह भिक्षु राजा को फल देकर चला गया तो राजा ने उस दिन फल को कोषाध्यक्ष को न देकर एक पालतू बंदर के बच्चे को दे दिया जो महल के किसी सुरक्षाकर्मी का था और उससे छूट कर राजा के पास चला आया था उस फल को खाने के लिए जब बंदर के बच्चे ने उसे बीच से तोड़ा तो उसके अंदर से एक बहुत ही उत्तम कोटि का बहुमूल्य रत्न निकला यह देखकर राजा ने वह रत्न ले लिया और कोषाध्यक्ष को बुलाकर उससे पूछा मैं रोज रोज भिक्षु द्वारा लाया हुआ जो फल तुम्हें देता हूँ वो फल कहाँ है राजा ने आज्ञा दी तो कोषाध्यक्ष रत्न भंडार गया और कुछ ही देर बाद आकर राजा को बताया प्रभु वे फल तो सड़ गए थे वे मुझे वहां नहीं दिखाई दिए हां चमकती झिलमिलाती रत्नों की एक राशि वहां अवश्य मौजूद है यह सुनकर राजा कोषाध्यक्ष पर प्रसन्न हुए और उसकी निष्ठा की प्रशंसा करते हुए सारे रत्न उसे ही सौंप दिए अगले दिन पहले की तरह जब वह भिक्षु फिर राज दरबार में आया तो राजा ने उससे कहा हे भिक्षु इतनी बहुमूल्य भेंट तुम प्रतिदिन मुझे क्यों अर्पित करते हो अब मैं तब तक तुम्हारा यह फल ग्रहण नहीं करूंगा जब तक तुम इसका कारण नहीं बताओगे राजा के कहने पर भिक्षु उन्हें अलग स्थान पर ले गया और उनसे कहा हे राजन मुझे एक मंत्र की साधना करनी है जिसमें किसी वीर पुरुष की सहायता अपेक्षित है हे वीर श्रेष्ठ उस कार्य में मैं आपकी सहायता की याचना करता हूं यह सुनकर राजा ने उसकी सहायता करने का वचन दे दिया तब संतुष्ट होकर भिक्षु ने राजा से फिर कहा देव तब मैं आगामी अमावस्या को यहाँ के महाशमशान में बरगद के पेड़ के नीचे आपकी प्रतीक्षा करूँगा आप कृपया वहीं मेरे पास आ जाना ठीक है मैं ऐसा ही करूँगा राजा ने उसे आश्वस्त किया तब वह भिक्षु संतुष्ट होकर अपने घर चला गया जब अमावस्या आई तो राजा को भिक्षु को दिए अपने वचन का स्मरण हो आया और वह नीले कपड़े पहन माथे पर चंदन लगाकर तथा हाथ में तलवार लेकर गुप्त रूप से राजधानी से निकल पड़ा राजा उस शमशान में पहुंचा जहां भयानक गहरा और गुप्त अंधेरा छाया हुआ था वहां जलने वाली चिताओं की लपटे बहुत भयानक दिखाई दे रही थी असंख्य नरकंकाल खोपड़िया एवं हड्डियां इधर उधर बिखरी पड़ी थी समूचा शमशान भूत पिशाचों से भरा पड़ा था और सियारों की डरावनी आवाजें शमशान की भयानकता को और भी ज्यादा बढ़ा रही थी निर्भय होकर राजा ने वहां उस भिक्षु को ढूंढा भिक्षु एक वट वृक्ष के नीचे मंडल बना रहा था राजा ने उसके निकट जाकर कहा भिक्षु मैं आ गया हूं बताओ मुझे क्या करना होगा राजा को उपस्थित देखकर भिक्षु बहुत प्रसन्न हुआ उसने कहा राजन यदि आपने मुझ पर इतनी कृपा की ही है तो एक कृपा और कीजिए आप यहां से दक्षिण की ओर जाइए यहां से बहुत दूर शमशान के उस छोर पर आपको शिंशपा या शीशम का एक विशाल वृक्ष मिलेगा उस पर एक मरे हुए मनुष्य का शरीर लटक रहा है आप उस शव को यहां ले आइए और मेरा कार्य पूरा कीजिए राजा विक्रमादित्य भिक्षो की बात मानकर वहां से दक्षिण की ओर चल पड़े जलती हुई चिताओं के प्रकाश के सहारे वे उस अंधकार में आगे बढ़ते गए और बड़ी कठिनाइयों के साथ उस वृक्ष को खोज पाए वह वृक्ष चिताओं के धुएं के कारण काला पड़ गया था उससे जलते हुए मांस की गंध आ रही थी उसकी एक शाखा पर एक शव इस प्रकार लटका हुआ था जैसे किसी प्रेत के कंधे पर लटक रहा हो राजा ने वृक्ष पर चढ़कर अपनी तलवार से डोरी काट डाली और शव को जमीन पर गिरा दिया नीचे गिरकर वह शव बड़ी जोर से चीख उठा जैसे उसे बहुत पीड़ा पहुंची हो राजा ने समझा कि वह मनुष्य जीवित है राजा को उस पर दया आई अचानक उस शव ने जोर से अट्ठास किया तब राजा समझ गया कि उस पर बेताल चढ़ा हुआ है राजा उसके अठास करने का कारण जानने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक शव में हरकत हुई और वह हवा में उड़ता हुआ पुनः उसी शाखा पर जा लटका इस पर राजा एक बार फिर से वृक्ष पर चढ़ा और शव को पुनः नीचे उतार लिया फिर राजा ने उस शव को अपने कंधे पर डाला और खामोशी से भिक्षु की ओर चल पड़ा कुछ दूर चलने पर राजा के कंधे पर सवार शव के अंदर का बेताल बोला राजन मुझे ले जाने के लिए तुम्हें बहुत परिश्रम करना पड़ रहा है तुम्हारे श्रम के कष्ट को दूर करने एवं समय बिताने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाना चाहता हूं किंतु कथा के दौरान तुम मौन ही रहना यदि तुमने अपना मौन तोड़ा तो मैं तुम्हारी पकड़ से छूट पुनः अपने स्थान पर लौट जाऊंगा राजा द्वारा सहमति जताने पर बेताल ने उसे एक रोचक कथा सुनाई